नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। दलित नाबालिग किशोरी का अपहरण करके चार लोगों ने न सिर्फ उसके साथ गैंगरेप किया बल्कि आरोपियों ने लड़की के साथ अप्राकृतिक कृत्य भी किया। किसी तरह लड़की अपराधियों के चंगुल से छुटी और उसने इस मामले की शिकायत अपने घर के लोगों से की। उसके बाद शनिवार को पुरानी छावनी पुलिस ने दलित उत्पीड़न दुष्कर्म पास्को एक्ट मारपीट और धमकाने जैसी संगीन धाराओं के तहत आरोपी राम कुशवाहा, अरविंद कुशवाहा, छोटे खान और उसके एक अन्य साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हो सकी है, पुलिस उनकी तलाश में मुरैना भेजी गई है। पता चला है कि एक आरोपी से लड़की की पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी और दोनों एक दूसरे को एक साल से जानते थे, इसलिए लड़की उसके बुलाने पर चली गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये लोग गैंगरेप जैसी संगीन वारदात को अंजाम देंगे। आरोपियों में एक सुमावली के विधायक का नजदीकी रिश्तेदार भी शामिल है। घटना बीती 21 नवंबर शाम की है जब स्टोन पार्क मोती झील क्षेत्र में रहने वाली 17 साल की किशोरी अपने फेसबुक फ्रेंड के बुलावे पर पानी के प्लांट मोती झील के पास पहुंची। उसे इन बदमाशों ने अगवा कर लिया और उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। लड़की के साथ अप्राकृतिक कृत्य भी बदमाशों ने किया। घटना की शिकायत पुलिस में देर से मिलने के कारण लड़की के घर वाले बदनामी के डर से इस मामले की चर्चा कहीं करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इतना संगीन मामला होने के बाद जब उन्हें नजदीकी लोगों ने सलाह दी तो वे प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तैयार हुए। इनमें आरोपियों में रामू कुशवाहा, अरविंद कुशवाहा, मुरैना के मौजूदा एक विधायक के नजदीकी रिश्तेदार बताए गए हैं, जबकि छोटे खान और उसके साथी के बैकग्राउंड को भी पुलिस पता कर रही है। इस बीच लड़की का मेडिकल भी कराया गया जिसमें प्राथमिक रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि की गई है। सर, क्या पूरा घटनाक्रम है, कैसे क्या ये सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है और क्या शिकायत दर्ज की है? एक किशोरी ने कल दिनांक 21 नवंबर की घटना के संबंध में लिखित आवेदन दिया था। उसमें चार लोगों के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे कि इनके द्वारा पानी की टंकी पर थाना पुरानी छावनी क्षेत्र में एक उसका मित्र था, पुराना सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी, वो अपने साथ गाड़ी में ले जाके उसके अन्य साथियों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक गैंगरेप किया। इस संबंध में आवेदन दिया था तो प्रथम दृष्टया अपराध घटित होने पर उसकी प्राथमिकी दर्ज की गई, मेडिकल परीक्षण कराया गया और विवेचना चालू की गई। आरोपी का क्या बैकग्राउंड है, कुछ पता चल पाया? आरोपी चूँकि इसका सोशल मीडिया से इसकी ऐसा आवेदन में जो उसने उल्लेख करा कि उसकी मित्रता थी और एक साल से उसको पहचानती थी और पारिवारिक मुरैना क्षेत्र के रहने वाले हैं वो लोग, उनकी भी ऐसा जान पता चला है कि उनके भी रिश्तेदार हैं वो लोग। ये दुष्कर्म है या गैंगरेप है? उसने जो आवेदन में जो उल्लेख किया वो तो गैंगरेप का उल्लेख किया, दुष्कर्म का भी करा है अप्राकृतिक और हाँ किशोरी जो है नाबालिग 17 साल की, एट्रोसिटी एक्ट भी लगाया, पास्को एक्ट भी लगा और 370 भी लगा। फिलहाल आरोपी आरोपियों की तलाश अभी विवेचना की विवेचना के बाद ही